हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, ठीक है। राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा है वो भारत के राज्यों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए पूरा एक पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो राज्यसभा क्या करता है कि जितने स्टेट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, यानी उनकी बात करता है, ठीक है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है और इसे ही अपर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, यानी कि इसमें जो भी मेंबर्स जाते हैं वो हमारे द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जाते हैं और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। किस बेसिस पे? तो ऐसे व्यक्ति जिनका बैकग्राउंड साइंस, लिटरेचर, आर्ट से रिलेटेड हो, उनको उसके बारे में अच्छा ज्ञान हो, तो उनके बेसिस पे उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेजेंट में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। अब कौन लोग जाते कौन हैं, कैसे इलेक्ट कैसे होते हैं? द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको MLA इलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी वो MLAs के द्वारा इलेक्ट होते हैं। कितने किस स्टेट से कितने राज्यसभा के मेंबर्स जाएंगे, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे डिटरमाइन होता है, यानी जो सीट्स होते हैं राज्यसभा के वो पॉपुलेशन के बेसिस पे अलॉट होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य जाते हैं, जबकि त्रिपुरा में कम जनसंख्या है तो त्रिपुरा से मात्र एक ही राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा USA में नहीं है, यानी अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जितने स्टेट हैं सबका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है सीनेट में। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है अपर हाउस, वैसे ही वहाँ सीनेट है अपर हाउस। तो अमेरिका में 50 स्टेट हैं तो प्रत्येक स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं, यानी सबका इक्वल है। जबकि हमारे यहाँ ऐसा था कि जिस स्टेट में ज़्यादा जनसंख्या थी तो उस स्टेट से ज़्यादा मेंबर्स जाते थे इलेक्ट होके। तो हमारे यहाँ जनसंख्या के बेसिस पे होता है। अब राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है और वो कभी भंग नहीं किया जा सकता, यानी वो कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा भी। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म 6 साल के लिए होता है, 6 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं और प्रत्येक 2 साल पे 1/3 मेंबर्स जो है उनका टर्म जो है कंप्लीट हो जाता है, और फिर से 1/3 मेंबर जो कंप्लीट करके चले जाते हैं राज्यसभा से, उनके लिए, उनके सीट्स के लिए फिर क्या होता है, इलेक्शन होता है 1/3 सीट्स के लिए। और जो मेंबर्स चले जाते हैं वो फिर से अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं री इलेक्शन के लिए, यानी वो फिर से मेंबर बन सकते हैं। अब हम देखते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि सभापति। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा इज नोन एज द चेयरमैन। राज्यसभा की अध्यक्षता जो भी करते हैं उन्हें चेयरमैन कहा जाता है। तो जनरली जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है अपने पद के अनुसार, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के पद के अनुसार वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट के पद से अगर वो व्यक्ति हट जाते हैं तो वो चेयरमैन के पद से भी हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इनका जो पावर होता है वो लोकसभा के स्पीकर के बराबर ही होता है। अब डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उपसभापति। तो जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स में से ही कोई एक बनते हैं, उन्हें इलेक्ट किया जाता है, और डिप्टी चेयरमैन अपनी ड्यूटीज तब परफॉर्म करते हैं जब चेयरमैन नहीं रहते हैं, यानी जब चेयरमैन का पद खाली होता है। और चेयरमैन का पद कब खाली होता होगा, जब वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट का कार्य करते होंगे, यानी प्रेसिडेंट जब नहीं रहते होंगे तो उस टाइम पे डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन का कार्य करते हैं, यानी मतलब डिप्टी चेयरमैन का तब कार्य होता है। एंड व्हेन द चेयरमैन प्रिसाइडेड ओवर द हाउस, यानी जब चेयरमैन अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा की, द डिप्टी चेयरमैन इज द ऑर्डिनरी मेंबर, तब जो उपसभापति होते हैं वो एक साधारण सभी सदस्यों की तरह होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्वालिफिकेशन जो होती है मेंबर्स की वो क्या होती है, पहली बात तो ये कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और दूसरी बात कि उनका जो एज है वो 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम पावर ऑफ द राज्यसभा पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें। थैंक यू।